नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं बिहारी न्यूज़ से। दोस्तों, दीपों का त्यौहार दिवाली ख़त्म हो चुकी है और अब बारी है छठ पूजा की, और इसी क्रम में हम जानने के लिए आए हैं दरभंगा हाउस के पीछे काली घाट पर। यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से यहाँ पर पूजा की जाती है, यहाँ पर लोगों की राय क्या है, क्या बदलाव होना चाहिए और किस प्रकार प्रशासन यहाँ पर चुस्त है, तो आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं और बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या? सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। सर, आप पटना के लोकल हैं? एकदम लोकल है। तो यहाँ पे पूजा करने, छठ पूजा होता है आपके घर पे? एकदम होता है। तो यहीं पे मनाते हैं या दूसरे जगह? हम दूसरे घाट पर मनाते हैं। कौन से घाट पे? वो इधर जो है आपका कलेक्ट्रेट से आगे। अच्छा, उधर। हाँ, हाँ। तो वहाँ के घाट में यहाँ के घाट में कुछ फ़र्क दिखता है कि नहीं? अभी यहाँ के घाट में तो फ़र्क दिखता है, यहाँ तो भाई सांसद के कोष से हर चीज़ होता रहता है, यहाँ पर भी बनाया गया है, बहुत अच्छा बना है। अभी तो सब साफ सफाई है, पहले तो बहुत गंदगी थी, अब तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, सरकार अभी ठीक काम कर रही है। अच्छा, अब कुछ दिन पहले तो यहाँ पानी भी काफी ज्यादा भर गया। हाँ, था बहुत ज्यादा भर सुधार हुआ है। हाँ, बहुत सुधार है। तो छठ पूजा मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक काम चल रहा है। ठीक काम है। तो यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? मतलब ड्यूटी क्या है आपका, टाइमिंग? वो जो कचरा लोग फेंकते हैं ना, उस पर रोकथाम करने के लिए। तो अभी काम ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहे हैं बहुत साफ है। हाँ, पहले से तो साफ है, देखेंगे हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि घाट जो है अभी पहले से काफी साफ लग रहा है। तो लोगों का कहना है कि साफ सफाई है यहाँ पर, ठीक है। कीर्तन कुछ हो रहे हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। अंकल, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसी मनोरंजन हो रहा है, डेली होता है। डेली होता है? डेली नहीं, नहीं डेली होता है। क्या व्यवस्था है, आपको क्या लग रहा है, व्यवस्था सही चल रहा है? अभी व्यवस्था सही है, पहले ही घेरा उड़ा गया है। भगवान को क्योंकि भगवान चाहेंगे तो पर्व करवा देंगे, नहीं चाहेंगे भगवान तो रात भर पानी आज दो घंटा सूख के भाग नहीं जाएगा। नहीं चाहिए वो तो ठीक है, पूजा करवा, लेकिन हम लोग का भी एक काम होता है जिसको करना चाहिए, प्रशासन को भी, लेकिन ज़्यादातर लगता है कि पर्व के अगर यहीं घाट से भी हटेगा वही जगह जा जाए, कहा कि पानी रास्ते फिरते एक बीता भाग गया, नीचे पानी नीचे चला गया। हाँ, चला गया, सब देखो हुआ तो चला गया सब बिल्कुल। अब हो सका आज कहीं भागा सब, अब नाली हो जाएगा तो आगे ही जाएगा सब कुछ करेगा। हाँ, सरकार की तरफ से पूरा कुछ प्रयास किया गया है। ऐसा बात नहीं, देखिए ये जो है पटना का राजधानी है और पटना का राजधानी है बिहार है, अब बिहार जैसा लोग दुनिया में नहीं मिलेगा। कहता है कि जंगल पहाड़िया में कुहू के कोयलिया, अ गहरेला पनिया के धार, अकलकल झल छप छप गंगा मैया, उठेला लहर मझधार। अब हम चलते हैं एक और घाट, यहाँ पास में सटा हुआ बंसी घाट, तो वहाँ चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी थोड़ा कुछ बात करते हैं, आइए। में सभी घाट एक दूसरे से सटे ही हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का काम जो है चल रहा है, अभी तो छठ पूजा को लेकर आप देखेंगे कर्मचारी पूरे तत्परता से काम कर रहे हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं। कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? 20 से। तो पहले कहाँ काम करते थे? पहली बार आया। पहली बार यहाँ आई है, तो उसके पहले काम कहीं नहीं करते थे? रूम में करते थे। हाँ, रूम में। अच्छा, दूसरे के घर में काम करते थे। तो काम करने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप करती क्या है? झाड़ू देते हैं। मतलब कि घाट का पूरा साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई, पूरा साफ सफाई। तो आपका नाम क्या है? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। हाँ। तो ये पानी किस लिए ले जा रही है? ले जा रहे विसर्जन होता है ना, इसी में डुबा के रखेला। किस चीज का विसर्जन? मूर्ति। अच्छा अच्छा, तो मूर्ति मतलब इसमें नहीं डालना, उधर दूसरे जगह। चलिए, तो इसके लिए भी पानी को साफ रखने के लिए भी मूर्ति का भी विसर्जन जो है नदी में करने से रोका जा रहा है, दूसरे जगह पर।